और ओवरऑल कितना पड़ गया हमारा एशियाई है। ये है भाई हमारे कैशियर साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो भाइयों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जूते वूते उतर गए हैं, गाड़ी अपनी लग गई है, अब जा रहे हैं राफ्टिंग करने को। 50 वरना 500 रुपये। अच्छा, पर हेड 620 था है, पर हेड 620 था। और फर्स्ट टाइम में गाइस हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे हम कल के, फिर आप भी आना। फर्स्ट टाइम है भाइयों, अपना फर्स्ट टाइम। ये देखो अभी बताता हूं। और हम एक इंसान तो गाइस घर पे ही छोड़ आए हैं, उसे छोटा था ना थोड़ा। हां, वो बेचारा एंड में आते आते रह गया भैया, अब उसको यहाँ पे छोड़ते कहाँ अकेले। गुजरात से भी आए हुए हैं भाई सब यहाँ पे लोग। जैसे नीलकंठ का है ना, जो चीला बैराज वाला रास्ता वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आप लेफ्ट चले जाओ शिवपुरी के लिए और सीधा जा सकते हो नीलकंठ के लिए, वहीं पे ये सारे हैं राफ्टिंग वाले। तो यहीं पे ही भाइयों हमने कर दी है राफ्टिंग बुक। अब इनकी बुलेरो आएगी, वो हमें लेके जाएगी। अभी पूरा दिखाते हैं भाई, आराम से चैन से बैठ के देखो ना, चाय नाश्ता रख लो और क्या, डाटा भी देखें भी। तो अभी हमने पता करा तो वो कह रहे जूते तो नहीं कहा? लेकिन हाँ चप्पल पहन सकते हो। तो यार पैर ऐसे हो रहे हैं ना, तो हम चप्पल पहन नहीं जा रहे हैं, बस अब चप्पल पहन के फिर जाते हैं, क्योंकि चप्पल तो सूख भी जाएगी ना, गर्मी देख रहे हो समर। ये हम तो चप्पलें लाए थे, हम सबने चप्पलें पहननी। ये प्रफुल भाई रह गए, ये नहीं लाए थे ना ये चप्पल मना कर दिया डॉक्टर ने पहनने के। क्यों, क्या हो गया? ओ धमकी इशारे। थोड़ा थोड़ा अमूल कूल हो जाए। तो भाई हम जा रहे हैं ऐसी टाप में या नहीं खुलता है जी, मेरे साथ लगा ये लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ से देख जाएंगे ना। ये बोलेरो तो बहुत रिस्की है, ये देखो भाई वो कैसे हिल रही है, बैठे आगे बैठे सारे। भाई मुझे काफी कैसे पकड़ के बैठे है, बहुत सही चल रही है भाई, बहुत एक्सट्रीम है। ये देख लो भाई की हालत क्या हो गई, कोई गाड़ी आ गई आगे। फाइनली भाइयों काफी खौफनाक सफर, काफी खौफनाक सफर थम गया, उतर रहे हैं सब यहाँ से, वो सब उतर गए, अब हम भी यहाँ से उतरेंगे। तो भाइयों हमारे ऊपर बोट थी, बोट उतर रही है नीचे।
हाय हाय पूरा मट्टी मट्टी हो गए भाई साहब। ये खड़ी अपनी बॉल खुल गया भाई। ये चलो नमन चलो तार हाँ प्री वेडिंग वाली। मैं इससे यही तो कह रहा था। मैं कह रहा था यहाँ तो मैंने डिजायर चलाई हुई है। मैंने वरना हाँ और मैंने समझ जाओ ये और ये अपनी बोट। ये पहली बार आया अपना प्रफुल भाई। क्या करे भाई MBA चाय वाले का बिजनेस था, सेटअप करना था, उसी में लगा हुआ था। मैं भी पहली बार आया हूँ लेकिन आप तो मेरे को जानते हो ना। माय नेम इज दादा। एवरीवन रेडी लाइफ जैकेट पहनते हुए। हमने भी पहन ली है। पाउच तो नहीं अटकेगा वो टाइट तो है। ये देखो भाइयों ये है थोड़ी एक्सट्रीम वाली। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम 16 वाली कर लेंगे। वो भाई साहब क्या मस्त रैपिड बन रखे हैं। चलो यार अब अपनी बनाएंगे। देखा नहीं जा रहा तेरी टाइट नहीं है इसकी भी नहीं है। अरे भाई वो छाती जकड़ गई है मेरी। और ये देखो ये जा रही भाइयों अपनी बोट। सब रेडी हो गए हैं। चप्पू वप्पू भी मिल गया है भाइयों। और जा रहे हैं अब हम राफ्टिंग करने। अपना ओलिया कुछ ऐसा हो गया है कि चप्पू मिल गया हाथ में। पीछे प्रफुल भाई भी आ रहे हैं। बाकी दादा और बॉस वो जा रहे हैं। वो बॉस वो दादा वो भाइयों दादा का स्ट्रगल। पीछे प्रफुल भाई भी आ रहे हैं। सामने एक बोट पलट गई थी। हाँ यहाँ पे पलट गई थी। और व्यू देख लो भाइयों क्या मस्त व्यू है यहाँ का। पानी भी मस्त ठंडा ठंडा। ये अपनी बोट तैयार हो रही है। हाँ पहले तो चार आ गए। तो भाइयों अब यहाँ पे आगे वीडियो बाद में बनाएंगे क्योंकि फ़ोन हमें रखना पड़ेगा बह सकता है। इसलिए ये लाल वाले बैग में जो भैया पकड़ के खड़े हुए हैं उसमें रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं भाइयों आगे। देखो भाइयों राफ्टिंग कर लिया ऑलमोस्ट। नीचे भी उतरे थे और अब यहाँ पे स्टॉप हो गए। व्यू देखो भाइयों कितना मस्त है। कैसा लगा ये सुइया? बहुत ही बढ़िया। क्यों भाई? गजब। ओ दादा भाई बढ़िया। ओ बेटे सेल्फी वीडियो बना अपना। कुछ ऐसा लुक है भीग चुके हैं पूरे ऊपर से नीचे तक। बाकी मजा बड़ा आ गया। अरे एक बारी जब वीडियो बन गई। हर हर गंगे बोलते जोर से। हर 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 गंगे। हर हर गंगे इधर आ जा दादा। थक गए भाई थक गए। धीरे धीरे आ जाओ चलो। ये चढ़ गई भाइयों अपनी बोट। ये भी चालू हो गई। बाय बाय। ये देख रहे हो भाई 11:45। मैं ना जल्दबाजी में भूल गया ये घड़ी पहन के चला गया। मुझे लगा कई घड़ी नॉइस कंपनी के भाई। पूरा अंदर तक डूबा हूँ और मस्त चल लिया एकदम। देख सकते हो आप ये तो कैमरे में ब्लर ऐसे आती है लेकिन चल मस्त रही है। मज़ा आ गया भाई घड़ी में। तो व्हाट आर यू डूइंग गाइस? वेट वेट एक्सप्लेन। ओ ओ ओए 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 ओ भाई ओए ओए मोते पड़ती है ये। ओ भाई अच्छा ना बस ठीक है समझ गए। ओ इसके लग गई।
सो भाइयो 11:48 और गाड़ी में बैठ गए इनके, यहाँ से निकल लें आप, पहुँचेंगे अपनी गाड़ी पे, चेंज वेंज करेंगे फिर आगे का दिखा। छोड़ दिया वो भाई, ऊंची कितनी है। आ गए भाइयों हम गाड़ी पे और ये लोग उतरेंगे अभी, इनका और दिखा देता हूँ उतरने का। ये भी अपनी बोट ऊपर, मज़ा आ गया भाई, लाइफ में पहली बार पूरा ऐसे एक्सपीरियंस करा है। थकान सी भी बहुत हो गई है लेकिन भाई मज़ा बड़ा आ गया। ये देखो, ये देखो कैसे लुढ़कते पुड़कते आ रहे हैं, ये देखो। चेंजिंग चल रही है भाइयों, देखो अपना भाइयों बाल तो कड़े नहीं, बाकी अपना हम हो गए हैं रेडी और ये सब भी देखो लगे हुए हैं, हो ही गया ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार वैयार सब हो गए हैं। आ गया यार एक नंबर, अलग ही ट्रिप हो गई है, मस्त यार। यार ये तो बंद कर लो, मतलब पहली बार मजा जिसे कहते हैं ना फुल आनंद, मजा आ गया भाई, क्या बताऊँ, मजा आ गया बस। ओ भाई साहब, भाई मौसम हो गया एकदम मस्त, बदल गया है। ओ मेरी फोटो खींच दो। सो भाई सब हो गए हैं रेडी, अब बस गाड़ी यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं। टाइम गाड़ी स्टार्ट हो गई, टाइम हो गया 12:21। चलो भाई चल रहे हैं यहाँ से, कहीं खाना पीना देखे खाए पिए। ये देखो भाई कितनी आंधी तूफान सी आ रही है और जगह जगह हमारा जाम होने लग गया, मौसम एकदम ही बदल गया है। ये देखो भाई सुपर मौसम, वैसे अच्छा अगर इस टाइम कर रहे होते ना तो और मजा आ जाता, तो एडवेंचर में चार चांद लग गए होते। मौसम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम भाई, बहुत। अब भाई मैं पीछे से पीछे निकल जाओ, दिन के दिन निकल के जब निकल, क्या नजारे ऋषिकेश के गाइस, इनसे कोई जीत सकता है यहां पे आपस में? वो मुझे लगा पहले आया था जाम लग रहा था, मैंने भाई इनके पीछे तो वो आ रही है, इधर दिख रही है वहाँ जाम की लाइन है लेकिन ये अपनी चला रहा है। ये इन जैसों से अभी इनकी शक्ल देख लो, उनकी हवा टाइट हो गई। अंकल देखो भाई कैसा जाम जाम ही हो रहा है यहाँ पे तो पूरे में, हमें डर लग रहा है हम उधर आके जाते रहे, वापसी आ रात को वापसी आ पाएंगे क्या भाई? क्या हो रहा है, सुबह तो यार सही था, खुले खुले एकदम आ गए। आगे कहीं सही बात है, यहाँ से तो निकल जाते हैं। वो देखो भाई कहाँ तक है ये जाम, बहुत लंबा है यार, क्या करें यार, सो गया। आगे कोई है रास्ता ऐसा जो सीधा नीलकंठ वाले पे मिल जाए? आगे से वही है एक कट है। यो अब आ गए चाणक्य पे कुछ खाने पीने भोजन वोजन करने, सुबह के यार अधमरे से हो गए हैं, गाड़ी लग गई है वहाँ पार्किंग में और ये दोनों भी आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर। तो भाई अपना खाना आ गया है, बड़ी देर के बाद ये देख के ना बड़ा वो हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है बहुत देर के बाद भाई खाने को मिलेगा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं और फिर मेहनत भी इतनी कर ली, चप्पू चला चला के है भाई, चप्पू बन गए चला चला के। और क्या, सो
सॉफ्ट होने दे भाई। भाइयों खाना वाना मस्त अच्छे से खा लिया, पानी की बोतल भी ले लिया और अब निकल लें। आपको अपना ऐसा कोई खास प्लान नहीं है, बाकी देखते हैं आगे चल के। पहले वो जाम अभी देखा था ना रास्ते में, उसका देखते हो जाम हटा नहीं हटा। और धूप आ गई है बड़ी तगड़ी, अभी मौसम बढ़िया हो गया था लेकिन फिर से धूप आ गई है। 2:25 हो गए भाइयों और लगे हुए हैं उसी जाम में। और मैं बता दूं ये जाम पे थे किस चीज़ का है, ये है भाइयों चार धाम यात्रा के लिए जो ग्रीन कार्ड पास वगैरह बन रहा है ना, उस चक्कर में ये जाम है। ये जितने भी ये पीली नंबर प्लेट वाले टेम्पो ट्रैवलर वगैरह है ना, ये सब खड़े हुए हैं अगल बगल उसी के चक्कर में, परमिट वगैरह बनवाने के चक्कर में। तो वही सब जाम है, उसके चक्कर में हमें भी खड़ा होना पड़ रहा है। सो यही जाम है भाई, इसी के चक्कर में लग रहा है। अब खुले तो आगे कुछ दिखाएं आपको। फाइनली बहुत देर के बाद आप देख सकते हैं टाइम 2:36 हो गए हैं और अब जाके हम जाम से फ्री हुए हैं। बस एक हैरियर वाला आगे काफ़ी ढीला चल रहा है और ये साइड मांग रहे हैं, तो जाओ यार तुम जाओ लड़ो हैरियर वाले से, शायद कुछ अपना ही भला हो जाए। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं यही। बाकी भाई वो फाइनली निकल गया है जाम से हम, अब आगे मिलते हैं आपसे। भाई 2:50 मान लो हो गए, अगेन हमें जाम मिल गया और ये चीला बैराज वाले रास्ते पे जाम मिल गया। इतना पतला सा रास्ता है, 4 किलोमीटर का जाम है। और गाइस अभी यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकली इसका जवाब। अरे बहुत, अगर दिख जाती तो दिखा सकता था मैं। दिख जाएंगी हाँ पीछे कहीं। सो भाइयों बैराज आ गया है और टाइम देख लो 3:40 4 बज गए भाइयों उसी चीला बैराज के उसमें। यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन लगी रही है बट पीछे भी खुल गया था जाम, तो खींच मारी गाड़ी। अब यहाँ आ गए हैं, ये बैराज आ गए। अब थोड़ा और क्या, अभी तक यहीं आए हैं। देखो भोले बाबा के फोटो वो मूर्ति भी है बड़ी सी। तो ये अपना हरिद्वार आ गया और बैराज का आगे का रास्ता बंद कर रखा था यार, वरना हम चंडी देवी पे निकलते बट अब वो रास्ता बंद कर रखा था। तो यहाँ बीच में से हम बाहर ही निकला है, आगे पहले ही निकला है हम चंडी देवी से। ये देखो कितने मस्त लगते हैं। जय हो हर हर गंगे, जय भोले बाबा की जय हो। तो भाई 4:20 हो गए हैं, लग गया अपना मेन हाईवे जो कि वही अगेन NH-58 आ जाता है हरिद्वार से दिल्ली, मतलब हरिद्वार से वो मेरठ पे पहुंचाएगा, फिर मेरठ से वो दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेस वे पकड़ के नोएडा चले जाएंगे। तो लेफ्ट भाई राड़ा हो गया देखो अभी अभी जस्ट इन गाड़ियों के ओनर में गाड़ी मार दी है सरियो, देखो कैसे उतर के जा रहे हैं। तो भाइयों फिलहाल की एवरेज देख रहे हो, अभी पहाड़ों से चल गया हूँ तो करंट का तो 14.8 की दिखा रही है और ओवरऑल मैं बता दूँ तो 14.8 ही है ओवरऑल भी। अब अपना प्लेन हाईवे स्टार्ट हुआ है, अब देखेंगे क्या एवरेज देती है। हम जा रहे हैं भाइयों वापस घर, बस वही था राफ्टिंग करनी थी, संडे का दिन था, सुबह सुबह निकल गए राफ्टिंग वाफ्टिंग कर ली, अब जा रहे हैं घर। थोड़ी सी देर में आपको घर पर मिलते हैं। जाम ही जाम में, मतलब वहाँ जब से चले हैं एक डेढ़ बजे से जाम ही जाम। अब चला रहे हैं अपने बॉस, वो बॉस पहुँचाएंगे अब आपको घर क्योंकि बैटरी हो गई है एकदम फुस।
ये दादा तो इतने इसने झटके खाए हैं, दे इधर लुढ़क दे उधर लुढ़क दे इधर लुढ़क दे उधर लुढ़क, लेकिन कमी इन दोनों से तो कमी सोया हूँ। और ये जनाब तो एक सेकंड भाई साहब जरा अपना फेस दिखाएंगे बाद में सेल्फी बाद। अच्छा अच्छा इन दोनों लोगों से तो कमी सोए हैं, क्योंकि अच्छे भाई यार ये तो सुबह भी सो गए थे जाते पे। अबे भाई मैं तो सोया ही नहीं। कोई नहीं आप तो चला के आए थे, अगर मैं सो जाता तो क्या होता तो फिर सब सो जाते सब सो रहे होते फिर अभी। भाइयों फाइनली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हमें मिल गया। अभी चढ़े हैं, टाइम देख लो 7:30 हुए और चढ़ते ही भाइयों पहले टोल आ गया। कोई बात नहीं, टोल देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें ये चाहिए था। ये देखो भाइयों व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है, बेस मॉडल। आ गया भाइयों टोल। ये टोल मतलब आते ही ना एक्सप्रेस वे जान में जान जिसे कहते हैं ना आ गई है। ये देखो भाई एरोप्लेन वाला इस हाईवे पे चालू हो गया है, रेस्टोरेंट एयर इंडिया का ये खड़ा हुआ। भाइयो 8:26 और हम फाइनली पहुंच गए हैं घर। और बॉस को जरा तेजी, अरे मेरी डाटा केबल निकाल दो कार्तिक दिया। ये देखो कैसे भाई साहब अंगड़ाइयां आ रही हैं। अंगड़ाई ले भाई साहब, गाड़ी की हालत देखो हमने क्या कर दी है, छत देखो ऐसा लग रहा है कौन जमाने से साफ नहीं हुई है गाड़ी। अपनी गाड़ी भाइयों 11,144 किलोमीटर चल गई, 53 की रेंज रह गई, 14.4 क्योंकि यार शाम में अभी जल्दीबाजी में ना हमने एवरेज पे ध्यान नहीं दिया, खींची है जो कि मैंने सुबह एवरेज दिखाई थी ना उसमें ना भाई ये है, मतलब इसे प्यार से चलाओ ना ऐसे 80-90 लाइट पैडल के साथ तो ही ये एवरेज दे पाती है, नहीं 14-15 का ही है इसका। जैसे रैश चलाते हो ना आप एवरेज की तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो बाकी देखो 14-15 भी सही है फिर पेट्रोल के हिसाब से, और 19-20 की रैश में चाहिए तो डीजल आप जाओ फिर ना 24 हो गए हैं। अब जिन जिन को जैसे जैसे उठाया था उनको वैसे वैसे पटक के आना है, वहीं जा रहे हैं हमने क्या किया, सिर्फ खाया पिया है, पेट्रोल का लगा है और राफ्टिंग करी है बस, और कुछ नहीं करा है, बाकी सारा टाइम हमारा गया जाम में। और ओवरऑल कितना पड़ गया हमारा, ये है भाई हमारे कैशियर साहब। ओवरऑल कितना पड़ गया ओवरऑल? अच्छा मतलब आने जाने सब सारा खर्चा मिला के 9 हमारा पड़ गया, हम 4 लोग थे हमारा 9,000 समथिंग खर्चा आ गया और 2,250 रुपये पर बंदा 4 बंदे में। तो भाइयों क्या बुरे हैं 2,250 रुपये में 4 बंदे मिला के 9,000 रुपये में पास में आप जाके राफ्टिंग कर सकते हो और अपना घूम भी सकते हो, है नहीं बढ़िया? ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी ले गए थे तो थोड़ा ज्यादा खर्चा आ गया, मारुति की लेके जाते तो बढ़िया रहता तो शायद हम 8,000 में निपट लेते 1,000 कम में। तो ठीक है भाइयों ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जाओ रिवर राफ्टिंग करने मजा आता है, जिनने अभी तक नहीं करी करके आओ, ज्यादा कोई डेंजर नहीं है, मजा आता है। इसका ही फर्स्ट टाइम था, कैसा रहा, डर लगा ज्यादा? बहुत बढ़िया, नहीं ना तो बस मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती लेकिन तब भी कर ली मैंने। चलो यार, चलो आप भी जाना गाइस।